जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ का नवा स्वरूप है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अरिमा, महिमा, गरिमा, लहिमा, प्राप्ति, प्राकर्म्य, ईश्वित्व और वशित्व शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धांगनीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी तरह से इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। नवमी तिथि को बैंगनी और जामुनी रंग पहनना अति शुभ भी होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन करना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा जो भी फल भोजन माँ को अर्पित कर रहे वो लाल वस्त्र में लपेट कर किसी निर्धन को भोजन कराने के बाद ही खुद खाना चाहिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।